आरती उतारो रे महालक्ष्मी माता की, आरती उतारो रे महालक्ष्मी माता की, महिमा गाऊं रे महालक्ष्मी माता की। जय अम्बे जगदम्बे जय जय कमला माँ, जय अम्बे जगदम्बे जय जय विमला माँ। रक्तांबर राजे कर शंख पद्म सोहे, जन्म को सुधारो रे छवि तुम निहारो रे महालक्ष्मी माता की, आरती उतारो रे महालक्ष्मी माता की। जय अम्बे जगदम्बे जय जय कमला माँ, जय अम्बे जगदम्बे जय जय विमला माँ। से भक्त तेरा खाली ना जाए, खाली ना जाए माँ, खाली ना जाए। सुख संपत्ति वैभव से झोली भर जाए, झोली भर जाए जी झोली भर जाए। भाग्य को समारो रे जोत तू जगा, जय अम्बे जगदम्बे जय जय कमला माँ, जय अम्बे जगदम्बे जय जय विमला माँ, जय अम्बे जगदम्बे जय जय कमला माँ, जय अम्बे जगदम्बे जय जय विमला माँ। आज बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए विश्वनाथ। बेटी का ब्याह है ना बाबा, सो वक्त ही नहीं मिलता। शारदा का ब्याह? कब? एक सप्ताह बाद। माँ का आशीर्वाद लेने आए हैं। क्यों नहीं, बड़ी गुणवंती है हमारी शारदा बिटिया। माँ लक्ष्मी स्वरूप जिस घर जाएगी उजाला हो जाएगा। सब माँ की कृपा है बाबा। राजाय सर्वसौख प्रदायने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरंग महावीर्यं नाव्यज्ञापि शोभितम् अर्चनधरंग देवं विघ्न विनाशनम् ओम रां रीं रूं रें। लीजिए मुंह तो मीठा कीजिए ससुर जी। मुंह मीठा तो बहू का मुख देखकर ही हो गया दमाद का। फिर तुम तो जानते ही हो मैं ठहरा गुर्दे का मरीज, दिल का मरीज, उसके ऊपर से डायबिटीज। लेकिन अब सारे रोग दूर हो गए। पर तुम बराती होकर लड़की वालों की तरफ से कैसे खातिर कर रहे हो? देखिए ससुर जी, हम हैं कलाकार और कलाकार के लिए ससुर हो या असुर सब बराबर होता है। आप तो हमारे हाथ से ये लड्डू खाइए। अरे डायबिटीज तो क्या आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएंगी। खाइए 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 ना बाबू जी। मुझ गरीब की बिन माँ की बेटी को अपना कर आपने जो उपकार किया है मुझ पर, जीते जी मैं उसका ऋण कभी नहीं चुका सकूंगा रामेश्वर बाबू। क्या बात कर रहे हो विश्वनाथ, अरे मेरी तो बरसों की मुराद पूरी हो गई। साक्षात लक्ष्मी लेकर जा रहा हूँ तेरे घर से। फिर हमारी बचपन की दोस्ती
रिश्तेदारी में बदलकर और भी पक्की हो गई है। बेटी तू क्यों उदास हो रही है? तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक ही शहर में ससुराल भी है और मायका भी, जहां जी चाहे ठाट से रहना। सुन बेटी, तेरे इस गरीब बाप के पास और तो कुछ नहीं है देने को, एक सीख देता हूं। आज से तेरे पति का घर ही तेरा घर है और तेरे पति का सुख दुख अब तेरा है और तेरे सास ससुर ही तेरे माता पिता हैं। बाबू जी चलो चलो जल्दी करो, अभी देवताओं के मंदिर में तो जाना है भाई। ओह माय गॉड दीदी, इतनी गर्मी में अब मंदिरों के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। बेटा ऐसा नहीं कहते, मंगल कार्य में देवताओं के आशीर्वाद तो सबसे पहले। तो फिर जीजा जी जल्दी करो ना। जरा जल्दी करो भैया, दूल्हे राजा को बहुत जल्दी है। चलो बांधो, ये लो चलो आइए। अरे ये लो भैया चढ़ा दो नारियल। तनिक प्रेम ये क्या? आओ अब और कितने देवी देवता बाकी हैं जीजा जी? अरे साले जी ये शादी का लड्डू है, जो खाए पछताए जो ना खाए पछताए, थोड़ा धीरज तो रखो। भैया ये शनि देवता का मंदिर है, ये नारियल चढ़ा दो और तुम दोनों प्रणाम करो चलो। ओ दीदी मेरे बदले आप ही ये नारियल फोड़ दीजिए। अरे ऐसा नहीं कहते साले साहब, शनि देवता का क्रोध नहीं जानते आप। ओह मैं नहीं मानता ये फालतू की टकोरबाजी को, देवी देवता और आज के जमाने में मेरा अपमान सूर्य पुत्र शनि देव का अपमान, मेरा अपमान सूर्य पुत्र शनि देव का अपमान, सूर्य पुत्र शनि देव का अपमान। नानी देखो मामी कितनी सुंदर है। आओ बहू अब अपना बाया पाँव अंदर रखो तो। माँ भैया पिताजी जाओ, पिताजी को, पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया भैया, जल्दी से डॉक्टर ले आओ। मैं अभी ला। माँ दिल का दौरा? ये कैसी बहू आई? पिताजी पिताजी आप कुछ बोलते कि नहीं? पिताजी उठिए ना। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब, धीरे रखिए। देखिए सॉरी नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी पिताजी आप हमें छोड़ दो। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अमर अमर हैराम कैसा मनहूस पांव पड़ा बहू का। पिताजी आप ऐसा नहीं कर सकते। कैसा मनहूस पांव पड़ा बहू का। चुप नहीं मां, नहीं मां। लीजिए पानी पी लीजिए माँ जी। मुझे माँ जी मत क्या करम जली, आते ही मेरे घर पे अपनी काली छाया डाल दी, मेरे पति को खा गई, अब और किसे खाएगी दायत।
मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। लेकिन माँ जी, खबरदार जो मुझे माँ जी कहा, मेरे सामने कभी मत आना पापन कहीं की। बेटा, इस मनुष्य कह अपना मुंह काला करे यहाँ से। माँ, अपने आप को संभालो। माँ बेटा, अगर तूने मेरे कोख से जन्म लिया है तो कभी छूना मत इस नागिन को। तेरे बापू को तो ये डस ही गई, अब तुझे भी डस लेगी ये। बेटा, तुझे भी डस लेगी ये। ऐसा मत कहिए माँ जी, तू चुप कर। मैंने तो पहले ही शादी के लिए मना किया था माँ, पिताजी की ही मर्जी थी। ये गवाह तो थी ही, मनहूस भी निकली, और तो कुछ दिया लिया नहीं, इस मुसीबत को मेरे ही गले बांध दिया। खैर, जो होना था वो तो हो गया, अब इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगे। शारदा, आप मुझे माफ कर देना शारदा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आपने मुझे अपना लिया, यही मेरा सौभाग्य है। देखो तो शारदा, कितनी सुहानी चांदनी रात है, और ऐसी चांदनी रात में तुम्हारा ये रात रानी जैसा नशीला रूप। ओ शारदा, आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, कितनी मासूम लग रही हो, कितनी भोली लग रही हो। आई लव यू शारदा, आई लव यू स्वामी। स्वामी, स्वामी। महारानी जी, उठो महारानी जी। अरे सूरज चढ़ाया सर पर, और तू पड़ी पड़ी अब तक सपने ही देख रही है। क्यों, घर का काम क्या तेरा बाप आकर करेगा? मेरे पिताजी को क्यों कोसती है माँ जी? कुछ कहना है तो आप मुझे कहें। क्यों, तेरा बाप क्या कहीं का नवाब है? अरे इतनी ही अकड़ है तुझ में, तो फिर चली जाना उस नवाब के पास। बेटी, उठ बेटी, उठ। बेटी शारदा। पिताजी। बेटा, शारदा बेटी, बेटी, मैं ये क्या देख रहा हूं? समधन जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरी फूल जैसी बेटी से ऐसा बर्ताव करेंगे। अरे तो ले जाना अपने जहरीले फूल को अपने घर। नहीं नहीं, ऐसा न कहें, अब तो यही इसका घर है, आप इसकी मां हैं। इस बिन मां की बेटी को मैं घर में अकेले कहां रखूंगा? अरे तो ले जाकर फेंक देना किसी कुएं या खाई में। समधन जी, अगर आपकी जगह कोई और ये बात कहता तो मैं उसकी जबान खींच लेता। चल बेटी, इन बुढ़े हाथों में अब भी तुम्हें पालने की ताकत बाकी है। चल बेटी, चल। नहीं पिताजी, नहीं। विदाई के समय जो सीख आपने मुझे दी थी, शायद आप उसे भूल गए, लेकिन मुझे याद है। अब यही मेरा घर है, यहां का सुख दुख ही मेरा सुख दुख है। आप मेरा भाग्य तो नहीं बदल सकते ना? जो मेरे भाग्य में लिखा है
मैं सहूंगी, आप जाए। लेकिन बेटी तुम्हें इस हाल में नहीं पिताजी, भगवान पर भरोसा रखिए, देवी माँ पर भरोसा रखिए, आप जाइए, आपको मेरी सौगंध। जैसे तुम्हारी इच्छा। न जाने कौन से जन्म के पाप प्रगटे हैं, न तो घर से जाती है और न ही मरती है। तुम क्यों जी जलती हो माँ इस मनुष्य के लिए, पड़ी रहेगी किसी कोने में। रोटी कपड़े में नौकरानी तो बुरी नहीं। अरे अमर बाबू, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर यहाँ। हाय, मेरी दुल्हन तो तुम हो चंपा बाई, सिर्फ तुम। सच? सदा नई और नवेली। हटिए, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। सिर्फ बातें ही नहीं। हाँ? लो दुल्हन का हार भी लाया हूँ तुम्हारे लिए। हाय, मेरे लिए? हाँ। कैसा लगा? ये तो बहुत ही सुंदर है, महंगा होगा ना? तुमसे ज्यादा महंगा तो नहीं। चलिए। अमर बाबू, अमर बाबू, अमर बाबू, अमर बाबू, गजब हो गया। क्या हुआ मुंशी जी? हमारा 50 लाख का तेल जिस जहाज से आ रहा था वो जहाज डूब गया अमर बाबू। क्या जी, ये तो गजब हो गया। अब क्या होगा? माँ, हम लोग बर्बाद हो गए। माँ, हम लोग बर्बाद हो गए। बर्बादी तो उस मनुष्य के कदम पड़ते ही शुरू हो गई थी बेटा, अभी तो न जाने और क्या क्या देखना बाकी है नसीब में। तू मनहूस है, मनहूस है, मनहूस है। बर्बादी तो उस मनुष्य के कदम पड़ते ही शुरू हो गई थी बेटा, अभी तो न जाने और क्या क्या देखना बाकी है नसीब में। अभी तो न जाने और क्या क्या देखना बाकी है नसीब में। अभी तो न जाने और क्या क्या देखना बाकी है नसीब में। माफ कर देना, मैं मनहूस हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। मैं मनहूस हूँ। मुझे मर जाना चाहिए। मैं मनहूस हूँ। मुझे मर जाना चाहिए। शारदा बेटी, तुम
ये क्या कर रही थी? मुझे मरने दीजिए बाबा, मर जाने दीजिए मुझे। ये क्या कर रही हो बेटी, शक्ति का रूप होकर इतनी कमजोरी? शक्ति नहीं हूँ मैं, पनौती होकर रह गई हूँ, अपने ससुराल की पनौती। मेरा मर जाना ही सबके लिए शुभ है। समझ गया मैं, सारी बात समझ गया मैं। आखिर वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। कितना समझाया था मैंने रामेश्वर को, अमर की शादी अभी मत करो, ढाई वर्ष और शनि का कठिन प्रकोप है उस पर। लेकिन बेटे की शादी के चाव में उसने मेरी एक न सुनी। ये सब उसी का परिणाम है। शारदा, कसूर तेरा नहीं, तेरे पति पर शनि की सारे साथी चल रही है। इस दशा में धनहानि होगी, मानहानि होगी, और कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, उसके प्राणों पर भी संकट है। नहीं बाबा। क्या करूं बेटी, तेरी दशा देखकर मुझे चुप नहीं रहा गया। शनि के कष्ट को काटने का अब तो बस एक ही उपाय है। बताइए, मैं हर उपाय करूंगी, बताइए बताइए बाबा। तो आओ मेरे साथ। तुम यहीं ठहरो बेटी। जय महालक्ष्मी माँ। लो, ये माता महालक्ष्मी की महान व्रत कथा है। अब हर शुक्रवार को माता महालक्ष्मी का व्रत रखना और श्रद्धा सहित 21 व्रत करके विधि विधान पूर्वक उद्यापन करना। सभी अनिष्टकारी ग्रहों का कष्ट कटेगा और तेरे सारे संकट दूर होंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, जिस दिन शनिवार और अमावस्या का संयोग हो उस दिन अपने पति को घर से बाहर मत जाने देना। मैं आपकी हर बात याद रखूंगी बाबा। तो सुन, तू भी मंगली है। सामने की पहाड़ी पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। हर शनिवार को बजरंग बली की प्रतिमा पर तेल अर्पण करना। शनि का कष्ट भी कटेगा और मंगल का दोष भी दूर होगा। जी बाबा। और याद रख, जीवन की समस्याओं का हल मृत्यु नहीं है। अब जा, माता महालक्ष्मी तेरा मंगल करें। अच्छा बाबा। जय महालक्ष्मी माँ। जिस घर में ग्रह लक्ष्मी पूरी श्रद्धा के साथ हर शुक्रवार को देवी महालक्ष्मी का व्रत रखती है और लाल या पीले वस्त्र धारण करके सूर्यास्त के बाद महालक्ष्मी माँ के सम्मुख तिल के तेल का दीपक जलाकर लाल कनेर के पुष्प अर्पण करके खीर मालपुओं या गुलगुलों का भोग लगाकर लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद व्रत खोलती है, उस घर पर कभी किसी दुष्ट ग्रह की काली छाया नहीं पड़ती तथा सारे कष्ट दूर होते हैं। इस प्रकार 21 व्रत करने से धन, संतान और सौभाग्य का सुख प्राप्त होता है तथा घर में कुमकुम चरणों वाली श्री वैभव लक्ष्मी का निवास होता है। जलाऊं शीश झुकाऊं तेरे गुण गाऊं माँ, जय हो महालक्ष्मी माँ, जय हो महालक्ष्मी माँ, जय हो महालक्ष्मी माँ, जय हो महालक्ष्मी माँ। केसर कुमकुम तिलक चढ़ाऊं बलि बलि जाऊं माँ, जय हो महालक्ष्मी। क्या हो रही है?
लक्ष्मी जी की। ओहो, अब ये नया नाटक शुरू हो गया है। माँ देखो तो, तुम्हारी बहू रानी ने लक्ष्मी जी का व्रत शुरू किया है। अब तो तुम्हारा घर भर जाएगा सोने चांदी से। घर भर जाएगा क्या कूड़े कचरे से? अरे घर में जो कुछ है वही बचा रह जाए तो बहुत है उसकी काली नजर से। दिवाली देख ली ना देवी, चारों ओर आप ही की जय जयकार हो रही है। अब चलें? चलिए। ये क्या कर रही है कुलक्षणी? खबरदार जो लक्ष्मी जी की पूजा को हाथ लगाया तो बच्ची खुची लक्ष्मी भी चली जाएगी घर से। किंतु माँ जी, मैंने संकल्प किया है लक्ष्मी पूजन किए बिना मैं अन्य जल ग्रहण नहीं करूँगी। अरे तो मर ना, पीछा तो छूटे, जा मर। अरे जा, अन्य जल ग्रहण नहीं करूंगी। उठ उठ बेटी। उठ, आज के दिन आंखों में आंसू नहीं लाते, अब शगुन होता है। कुछ दान दक्षिणा दे, तेरे द्वार पर जो गनाई है। मैं जन्म जली क्या दूंगी आपको, बदनसीबी के सिवा है ही क्या मेरे दामन में। शुभ शुभ बोल बेटी, अपने भाग्य को कोसना भगवान को कोसना होता है। कुछ भी दे जो तेरी श्रद्धा हो। बस ये एक रुपया है मेरे पास, लक्ष्मी जी की पूजा के लिए रखा था, इसे आप स्वीकार करें। धनवती भव, संतानवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। माँ, महालक्ष्मी माँ, आप स्वयं आई थी माँ जब आगम पर तैयार करने। आप स्वयं आई थी मुझ पर कृपा करने। पूजा हो गई ना मामी, लो अब खाना खा लो। मुन्नी घबराओ मत मामी, सब लोग सो गए हैं। चलो खाओ, मुँह खोलो। हाँ ऐसे। नारायण नारायण, नारायण को प्रणाम, महालक्ष्मी को प्रणाम। आओ नारद, क्या समाचार लाए हो? समाचार तो मैं आपसे पूछने आया हूँ देवी। आप पृथ्वी लोक की यात्रा करके लौटी हैं, किसी गरीब का उद्धार भी किया या यूं ही सैर करके लौट आई देवी?
दीपावली पर यूं ही कैसे लौटती नारद मुनि? मेरी परम भक्त शारदा को मैं 3 वरदान देकर आई हूँ, धन, संतान और सौभाग्य का वरदान। नारायण नारायण, ये तो अनर्थ हो गया देवी। अनर्थ तो कैसे नारद? भगवान, शारदा के पति पर तो शनि की कष्टकारी दशा चल रही है। इस दशा में अखंड दारिद्र्य का योग है और कुछ समय में उसके पति की मृत्यु का योग भी है, फिर संतान कैसे होगी प्रभु? ये तो बहुत विकट समस्या हो गई नारद। अब जो हो, मैंने तो वरदान दे दिए और मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। आप चाहे शनिदेव को समझाएं या आदेश दें। देवी, ये सारी प्रकृति मैंने ही बनाई है, अब मैं ही शनि की प्रकृति को कैसे बदल सकता हूँ? तो मैं नहीं जानती, और जब तक आप इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढते, मैं कोप भवन में ही बात करूंगी। नारायण 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 नारायण। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। नारायण नारायण, शनि महाराज की जय हो। नारद मुनि, अचानक कैसे आना हुआ मुनिवर? भगवान विष्णु का आदेश लेकर आया हूँ, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड ही हिला दिया है, आपको तत्काल बुलाया है शनिदेव। तत्काल? कारण क्या है ऋषिराज? अब कारण क्या बताऊं भगवान, छोटे मुंह बड़ी बात होगी। देवी महालक्ष्मी त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी ठहरी, उन्होंने प्रसन्न होकर शारदा को 3 वरदान दे दिए हैं। शारदा? आज वही शारदा जिसके पति पर आपकी कोप दृष्टि है। तो क्या महादेवी ये नहीं जानती कि शारदा के पति ने मेरा अपमान किया है और उसका सर्वनाश करने का मैंने संकल्प किया है? जानती क्यों नहीं, किंतु अपने सामने वो आपको समझती ही क्या है, एक तुच्छ देवता ही तो, साधारण सा। तो महालक्ष्मी को अपने आप पर इतना अभिमान? किंतु क्या भगवान विष्णु भी मुझे ही आदेश देंगे? आप चिंता क्यों कर रहे हैं शनिदेव, निश्चिंत होकर विष्णु लोक प्रस्थान करें, मेरी नारद विद्या किस दिन काम आएगी। जी सुने। ओ, मान गए मुनिवर, मान गए, मान गए आपकी नारद कला को। मेरा मुकुट। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। बस मुनिवर, अब आप देखते जाइए शनि का खेल और खेल की चाल। नारायण नारायण। सूर्य पुत्र शनि का प्रणाम स्वीकार करें भगवान। आदेश पालन के लिए प्रस्तुत हूं। हे शनिदेव, सभी देवताओं के आग्रह पर आपको एक निवेदन स्वीकार करना ही होगा। आज्ञा दें प्रजापति। देवी महालक्ष्मी ने प्रसन्न होकर अपनी भक्त शारदा को 3 वरदान दे दिए हैं। अब आपको महादेवी के वचनों की रक्षा के लिए शारदा के पति को अपने कोप से मुक्त करना ही होगा सूर्यपुत्र। सभी देवताओं की यही इच्छा है महाबली। जैसी आप सबकी आज्ञा, किंतु एक छोटा सा निवेदन मेरा भी स्वीकार करें भगवान। कहो। देवी महालक्ष्मी के साथ एक बार मैं शारदा का अतिथि बनना चाहता हूँ। यदि शारदा ने महालक्ष्मी के बराबर मुझे आदर सत्कार दिया तो मैं सहर्ष उसके पति को अपने कोप से मुक्त कर दूंगा। इसमें क्या कठिनाई है, अभी चलिए। चलिए। चलिए।
नारायण नारायण। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। शारदा, हाँ शारदा, ये स्वयं मैं ही हूँ। महालक्ष्मी माँ, नहीं शारदा, मैं तो यहाँ हूँ। आश्चर्य मत करो बेटी, देखो हम दोनों में से एक महालक्ष्मी है तथा एक शनि देव। बताओ तो कौन लक्ष्मी है और कौन शनि देव? हाँ हाँ बताओ, इधर देखो, मैं ही तुम्हारी इष्ट देवी हूँ। नहीं नहीं, ऐसी भूल मत करना, लक्ष्मी तो मैं हूँ। मेरे लिए तो आप दोनों ही वंदनीय हैं। कृपया पास आके आशीर्वाद दें। आप माता महालक्ष्मी हैं और आप महाबली शनि देवता हैं। अब बताओ, हम दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है? आप दोनों ही महान देवता हैं। कृपया आप दोनों द्वार तक जाने की कृपा करें। अब कृपा करके वापस लौटें। महालक्ष्मी माँ, आप आते हुए बहुत श्रेष्ठ दिखाई देती हैं। और हे शनि देवता, आप जाते हुए बहुत ही श्रेष्ठ दिखाई देते हैं। धन्य हो, तुमने तो सचमुच प्रसन्न कर दिया मुझे। इतना एक समान आदर सत्कार, तिल भर का भी भेद नहीं। जाओ, तुम्हारे पति को मैंने अपने कोप से मुक्त कर दिया। जय मां। नारायण नारायण। जय हो। पधारिए महर्षि, पधारिए। आ हा 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 हा, आज तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं भगवान। शारदा ने तो सचमुच हमारे मन को मोह लिया। ऐसा एक समान आदर सत्कार, प्रसन्न कर दिया उसने हमें। ऐसा क्या स्वागत किया शारदा ने जो कुपित शनि देव को भी प्रसन्न कर दिया? कुछ मुझे भी बताएं देव। देवर्षि, उसने कहा कि महालक्ष्मी तो घर में आते हुए श्रेष्ठ लगती है और मैं जाते हुए श्रेष्ठ लगता हूँ। हुआ ना बराबरी का सत्कार? सचमुच बहुत बुद्धिमान है शारदा। निसंदेह बुद्धिमान तो वो है ही जो आप जैसे बुद्धिराज को भी मूर्ख बना दिया। मूर्ख? स्पष्ट कहे मुनिवर। स्पष्ट ही तो कहा उसने कि लक्ष्मी जी घर के भीतर आते हुए अच्छी लगती है और आप घर से बाहर निकलते हुए अच्छे लगते हैं। अब आप ही नहीं समझे तो उस बेचारी का क्या दोष? क्या वो ये कहती कि आप मेरे घर से कृष्ण मुख करें और पुनः कभी घर में चरण न धरें? क्या ऐसा कहा उसने मुझसे? सूर्यपुत्र शनि देव से ऐसा कहा उसने? किंतु आप तो तीर कमान से छूट गया, आपने उसे शाप मुक्त करने का वचन भी दे दिया। अरे काहे का तीर और काहे की कमान, छल किया है उसने मेरे साथ। अब मैं उसे बताऊंगा कि शनि का बल क्या होता है।
अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। मैं उसे समूल नष्ट करके ही छोड़ूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। नारायण नारायण। शुक्रवार के दिन श्रद्धा सहित महालक्ष्मी माँ के 21 व्रत रखने के बाद 7 सुहागनों को भोजन करा के मेहंदी सिंदूर चूड़ियां और रंगीन रेशमी वस्त्र भेंट देके विधि विधान सहित उद्यापन समारोह करने से दुख दारिद्र दूर होते हैं, सब अनिष्टकारी ग्रहों के कष्ट समाप्त होते हैं तथा घर में सुख संपत्ति और सोने की मोहरें हैं। आइए जल्दी आइए माँ जी, ये देखिए लक्ष्मी माँ की कृपा, सोने की मोहरें हैं। सोने की मोहरें कहाँ है? ये रही जी, ये देखिए इधर। ये है मोरे, सोने के मोरे। लेकिन मेरी बच्ची, मैं कल ही अमर से कह के तुझे पागलखाने भिजवाती हूँ। मैंने तो सोने की मोरे है, सोने की मोरे। ये है तेरी सोने की मोरे, ले ले सोने की मोरे, ये ले। सोने की मोहरे। ये मात और ये जीत। नारायण नारायण। मान गए आपकी शक्ति और बुद्धि को भगवान। देवी महालक्ष्मी को मात से मात। नारायण नारायण, आपने तो सभी देवताओं को मात कर दिया महाबली। तो आप भी मान ही गए ना हमारी शक्ति और बुद्धि का लोहा। सूर्य पुत्र शनि देव के पराक्रम को जो भी चुनौती देगा उसे पराजय का मुंह तो देखना ही होगा महामुनि। नारायण। तुम तो चली जाती मुन्नी। नहीं, मुझे नींद आ रही है। प्रणाम माँ। आज के नए दिन रोनी सूरत बनाए क्या बैठी है घर में? सारी सुहागने गरबा करने गई हैं। तू नहीं जाएगी? इस बुरी दशा में कहाँ जाऊंगी माँ? क्यों, क्या हुआ तेरी दशा को? अच्छी भली तो है। अरे मामी, तुम तो चमक रही हो, इतने सारे गहने।
वाह चंपा भाई वाह, मजा आ गया। और नाचो, सारी रात नाचो। आज त्योहार का दिन है। बस मुंह देखी प्रीति करते हो बाबू। वार त्योहार भी खाली हाथ चले आते हो। अजी खाली हाथ तो बीवी भी शौहर को नहीं चाहती। हाँ अच्छा, तो अब तुम्हें मैं अपनी बीवी बनाकर ही दिखाऊंगा रानी। इतना अच्छे कंगन है ना, अच्छे लगे। तुम्हारी शादी में भी बनाएंगे। हाँ अरे इतने सारे गहने कहां से आए, इतने सारे सोने के गहने? मैं पूछता हूं कहां से आए ये गहने?
जाने ही कहाँ से आ गए, कहीं दबा के रख दिए होंगे या फिर चल मुन्नी, अरे चल यहाँ से, चल ना। अच्छा मुझसे ही चोरी, बहुत शौक है तुझे गहने पहनने का, हाँ उतार ये गहने, छिनाल कहीं की, उतार ये गहने ना मुझे दे, जल्दी उतार जल्दी। ये लीजिए गहने के आपसे बढ़कर हैं। डालो बाजी नहीं, चल अब ये मंगलसूत्र भी उतार जल्दी। नहीं। क्या कहा? नहीं नहीं, मंगलसूत्र नहीं दूंगी। अच्छा तो तू सीधी तरह से नहीं देगी, बड़ी सती सावित्री बनती है। हा? नहीं। उतारी से। ये क्या कर रहे हैं? मैं कहता उतारी से। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मैं कहता उतारी से। सती सावित्री जी, हमारे होते हुए ये नकली गहने पहनने का शौक कैसे हुआ चंपा भाई? क्या कहा? क्या नकली? अजी 16 आने नकली, हम भी जौहरी के बेटे हैं, अभी बताते हैं खोटे और खरे का भेद। जरा अपना कंगन तो देना चंपा भाई। ये लो। लो खुद ही देख लो सोने का कंगन। एकदम असली मक्कार धोखेबाज, 420 बीड़ी बनाने आया था मुझे। ले ले, ले, ले संभाल 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 अपने सोने के गहने को, और ले जाकर पहना देना अपनी अम्मा को। चंपा खबरदार, तेरी चोरू नहीं बैठी है यहाँ पर, हाथ तोड़कर हाथ में धर दूंगी, समझे रही जादे? चल निकल निकल यहाँ से। अरे निकल वरना धक्के मार के बाहर फिंकवा दूंगी, चल निकल जा यहाँ से। बड़ा आया था पति बनने, कड़का कहीं का। किसने दिए थे तुझे ये गहने? मैं पूछता हूँ किस यार ने दिए थे तुझे ये गहने? बोलती क्यों नहीं? लक्ष्मी माँ ने दिए हैं। अच्छा लक्ष्मी माँ ने दिए, ऐसी बच्चलन को लक्ष्मी ने गहने दिए? तेरी चरित्र दिखाती है, आज अंत कर दूंगा तेरा और तेरे चरित्र का। बड़ी भगत बनती है लक्ष्मी की। लक्ष्मी तुझे लॉटरी का टिकट देती है, सोने की मोहरे देती है, हीरे के गहने देती है, हमें दिखाई भी नहीं देती। हाँ बोल, कहाँ है तेरी लक्ष्मी? कहाँ छुपी है तेरी लक्ष्मी? बता, बता, तो जिंदा दफन कर दूंगा तुझे। मैं सच कहती हूँ, लक्ष्मी माँ ने, लक्ष्मी जी ने। आवारा मनु, हाँ?
मैं यहाँ हूँ दुष्ट। बोल, क्या पूछना है, क्या जानना चाहता है? यदि सत्य जानना चाहता है तो सुन, अशुभ ये नहीं तू है। तुझ पर शनि की कठिन दशा चल रही है, तेरे दुर्भाग्य को भुगत रही है ये तेरी अर्धांगिनी। यदि ये न होती तो अब तक तेरा सर्वनाश हो गया होता। नहीं, माँ, महालक्ष्मी माँ, क्षमा करो, मुझे क्षमा करो माँ। मुझे माँ मत कह अधम, तूने मेरी गौ समान पुत्री को सताया है, तूने घर की लक्ष्मी का अपमान किया है। गृह लक्ष्मी का अपमान करता है और महालक्ष्मी का वरदान प्राप्त करना चाहता है। अरे पापी, जो घर की लक्ष्मी को ठुकराता है उसे महालक्ष्मी ठुकराती है। शनि तो तेरा नाश बाद में करेगा, आज मैं करूंगी तेरा सर्वनाश। नहीं माँ, नहीं, शांत हो माता, दया करो, मुझे भगवान पर दया करो। आज आपकी कृपा से मुझे मेरा सुहाग मिला है, तो आपके आशीर्वाद से सारी खुशियां भी वापस लौट आएंगी। इन्हें क्षमा कर दो माँ, संतान कपूत हो सकती है मगर माता तो कुमाता नहीं होती। इस पापी को क्षमा कर दो माँ, अब तक मैं भटका हुआ था लेकिन आज आज आपकी कृपा से मेरी आंखें खुल गई माँ। मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ माँ। ठीक है, इस सती लक्ष्मी के प्रताप से मैं क्षमा करती हूँ तुझे। जा, बुरी राह छोड़ और कोई काम धंधा आरंभ कर। काम धंधा तो सब बर्बाद हो गया है माँ, केवल 20 बीघा जमीन बची है, सो भी बंजर। परसों ये मकान भी नीलाम होने वाला है, क्या करूं? ये सब मेरे ही बुरे कर्मों का फल है, मेरे ही बुरे कर्मों का फल है। निराश मत हो, ले ये सिद्धिदायी श्री यंत्र, कल शुक्रवार है, अपनी बंजर भूमि पे इसकी स्थापना करके खुदाई कार्य आरंभ कर देना। हाँ। सब मंगल होगा। जय महालक्ष्मी माँ। देखिए अमर साहब, हाँ भाई, यहाँ खुदाई करने से कुछ नहीं होगा, ये सारी जमीन मुझे तो बेकार नजर आती है। गुड नाइट, तो कमाल हो गया। अमर साहब मुबारक हो। अजी साहब मुबारक हो, आप तो करोड़पति बन गए साहब। क्या आपकी जमीन में सफेद ग्रेनाइट की खान निकलाई, समझिए कि सोने की खान। आप सच करें इंजीनियर साहब? हाँ अमर साहब। शारदा, ये तो बहुत खुशी की बात है, और ये खुशखबरी हम लोग माँ को सुनाते हैं। माँ, 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 चमत्कार हो गया माँ, चमत्कार हो गया। देवी माँ की कृपा से हम लोग रातों रात खाकपति से करोड़पति हो गए माँ। हाँ माँ, और ये सब तेरी बहू की तपस्या का फल है माँ। आज तक हम लोग कितने अंधेरे में थे कि ये मनहूस है, लेकिन माँ इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तो स्वयं महालक्ष्मी माँ ने हमें आशीर्वाद दिया है। हाँ माँ, साक्षात प्रकट होकर। अब तू भी इसे अपना आशीर्वाद दे दे माँ। हाँ शारदा, तो तुझ पर भी चल गया इसका जादू। किसी ने ठीक ही कहा है कि जब दिन फिरते हैं तो बुद्धि भी फिर जाती है। तू ही अगरबत्ती लगाकर पूजा कर इस देवी की। मुझ पर इसका जादू नहीं चलने का। बस करो शारदा, बस करो, अब और आंसू नहीं।
वादा करो कि मेरी नाकों में फिर कभी आंसू नहीं आएंगे। विश्वास करो शारदा, आज जैसे मेरा मन बदला है ठीक वैसे ही मां का मन भी जरूर बदलेगा। आज मुद्दतों के बाद हमारी जिंदगी में खुशी का दिन आया है, हमारे मिलन का दिन आया है शारदा, और आज के दिन मैं तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ हंसी देखना चाहता हूं, खुशी देखना चाहता हूं, तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं। आज की रात कितनी सुहानी लगे, आज की रात कितनी सुहानी लगे, मेरे आंगन खिली रात रानी लगे, संग तेरा युगों की रवानी लगे, संग तेरा युगों की रवानी लगे, आज गाती हुई बिंदवानी लगे, हो आज की रात कितनी सुहानी लगे। अब तो सातों जन्म, अब तो तुझसे बिछड़ के जिएंगे न हम, छोटी कहानी लगे आज की रात, ओ आज की रात कितनी सुहानी लगे, ओ आज की रात कितनी सुहानी लगे। अंशुआरूप चितवन ये जादू भरी, तुम कोई अप्सरा हो या कोई परी, अंशुआरूप चितवन ये जादू भरी, तुम कोई अप्सरा हो या कोई परी, आज की रात कितनी सुहानी लगे, आज की रात कितनी सुहानी लगे। आज की रात
आज की रात कितनी सुहानी लगे, ओ आज की रात कितनी सुहानी लगे, मेरे आंगन खिली रात रानी लगे, संग तेरा युगों की रवानी लगे, ओ संग तेरा युगों की रवानी लगे, आज गाती हुई जिंदगानी लगे, आज की रात कितनी सुहानी लगे। नारायण, जय हो शनि महाराज की जय हो। आहा हा हा, महालक्ष्मी का प्रताप देखकर आ रहा हूँ भगवान। खाक पति से करोड़पति, नारायण नारायण। करोड़पति दो दिन का करोड़पति, परसों अमावस्या है, अमावस्या और शनिवार उसके जीवन की अमावस्या। नारायण नारायण। शारदा कहाँ आई? दूर। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। हाय राम, दूध गिर गया। तो क्या हुआ? आपका बैग। थैंक यू। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपने आप का ख्याल रखना। ओके बाय। अच्छा ठहरिए। अब क्या हुआ? बिल्ली रास्ता काट गई है। तो अब शकुन हुआ है, आज आप बाहर न जाएं। न जाने क्यों, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पगली कहीं की, देवी महालक्ष्मी माँ की छता छाया है हमारे सिर पर, फिर कैसी चिंता। हाँ देवी माँ पर भरोसा रखो, हमारा कुछ बुरा नहीं होगा। ओके बाय। जिस दिन शनिवार और अमावस्या का संयोग हो उस दिन अपने पति को घर से बाहर मत जाने देना। कम्मो जी, आज तिथि क्या है? आज तो अमावस्या है बीबी जी। क्या शनिवार और अमावस? अनर्थ हो गया कम्मो। माँ रक्षा करो माँ। निशान तुम्हें रखनी पड़ेगी मैया, तूने
देवी माँ ने आज तुम्हारी पुकार सुन ली। तुम्हारी वजह से आज मेरे प्राण बच गए। हाँ शारदा, देखो मैं तुम्हारे सामने हूं। शारदा, शारदा। माँ माँ, हमारी क्लास इस शनिवार को पिकनिक पे जा रही है। 100 रुपए लाओ, आज ही जमा कराने हैं। भाई भाई, मैं तो इस पढ़ाई से रोज रोज का फालतू का खर्चा, बड़ी होगी तो ब्याह का खर्चा, दहेज का खर्चा। बेटा होता तो बुढ़ापे में कमा कर तो लाता, इस खर्चे की पोटली का मैं क्या करूं? मुन्नी को क्यों कोसती हो जीजी? कन्या तो देवी का रूप होती है। तो तुम ही पूजा करो इस देवी की, मेरे लिए तो ये बोझ है सीने का। नहीं नहीं बेटे, रोते नहीं। हाँ, रोते नहीं। अरे माँ की बातों का क्या बुरा मानना, माँ के तो शाप में भी वरदान होता है। रो मत। बेटे और बेटी में क्या फर्क होता है मामी? सब नजर का फर्क है बेटा। सच तो ये है कि बेटा एक कुल का दीपक होता है और बेटी दो कुलों का उजाला। तुम तो दो कुलों का उजाला हो। अरे हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गई। चलो एक चीज दिखाऊं तुम्हें, इसको यहाँ रखो। आओ। सुनी है के तेरे भाई की बंजर जमीन में तो सोने की खान निकल आई से, मगर ये सोना खाएगा कौन? ब्याह के 5 बरस बाद भी तेरी भाभी की कोख तो बंजरी पड़ी से है और सदा बंजर ही रहेगी। सारे डॉक्टरों ने बांझ बताया है उसे। नसीब की बात है, जहाँ चने हैं वहाँ चबाने वाला नहीं। और हमें देखो कैसे निखट्टू से पाला पड़ा है। दूसरा बच्चा पेट में है और ये कमर अभी तक सोने की तगड़ी के लिए तरस रही है। तगड़ी क्या? अरे एड्डी से चोटी तक तुझे सोने की बढ़ा दूंगी मैं। अरे शारदा के बाप ने बीच में भांजी न मारी होती तो आज मेरी बेटी तेरे भतीजे को खिला रही होती। मैं कहूँ कि अब भी की बिगड़ा है, मेरी बेटी का ब्याह करा देना तेरे भाई से। अरे ज्यादा पड़े लेकिन ऐसे तो के हुआ, हिरणों से बढ़ के है मेरी बेटी। तेरे भाई का वंश भी चल जाएगा और तेरी तिजोरी भी भर जाएगी। हाँ। आ
अस्पताल से सारी जांच करा के आ रही हूँ। अच्छा, डॉक्टरनी ने बेटा बताया है। सच? मैं वारी जाऊँ, बड़ी खुशी की खबर सुनाई तूने बेटी। नसीब वालों के होते हैं बेटे। माँ, बोलो बेटे। कुछ खट्टा खाने को जी कर रहा है। अरे मेरी बेटी, खट्टा था, मीठा था, जो तेरा जी करे वो खा। अरे कम्मो, आम का अचार लाना तो बिटिया के लिए। आम का अचार? हाँ हाँ। माँ, भैया ने दौलत तो खूब जमा कर ली, मगर इसे खाएगा कौन? जब वंश ही नहीं बढ़ा तो कारोबार बढ़ाकर क्या होगा? क्या करे बेटी, कितने ही डॉक्टरों को दिखा लिया, सबने तो इसे बांझ ही बताया है। तो क्या मेरा भाई लाओलादे रह जाएगा? अरे भाभी मां नहीं बन सकती तो क्या हुआ, दूसरी भाभी तो आ सकती है। मेरे ताऊ ने भी तो तीन तीन ब्याह किए थे इसी खातिर। मगर ये चाहे तब ना, ये तो चाहती है कि अगर इसकी कोख से औलाद पैदा ना हो तो खानदान ही खत्म हो जाए। और अमर, अमर तो इसकी मुट्ठी में बंद है, वो मेरी सुनता ही कहाँ है। आप रोने का ढकोसला क्यों करते हो भाभी? सचमुच भैया का भलाई चाहती हो तो हट जाओ ना रास्ते से। जब तक तुम चाहोगी नहीं तब तक तो भैया ब्याह के लिए मानेंगे नहीं, और फिर ये लाखों की दौलत लावारिस होकर मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी माँ होते के लिए तरस तरस कर मर जाएगी। और ये सब होगा तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण। हे भगवान, वो दिन दिखाने से पहले मुझे इस धरती से उठा ले, उठा ले भगवान, मुझे उठा ले। क्या करूँ, क्या करूँ? रो मत मामी, मत रो। इधर देखो, ये रहा तुम्हारा मुन्ना। ये लो, ये लो, लो। मेरी एक बात मानोगे? एक बात नहीं, सौ बात कहो रानी। नहीं, बस एक ही बात। अरे भाई बताओ भी क्या बात है। पहले कसम खाओ मेरे सर की। ऐसी बात है क्या? नहीं, मजाक नहीं, कसम खाओ। लगता है मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। अच्छा चलो, तुम्हारी कसम। तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। क्या, क्या कहा तुमने? दूसरा विवाह, वंश चलाने के लिए तुम्हें दूसरा ब्याह करना ही होगा। शारदा, इस तरफ देखकर कहो, इस तरफ। कह तो रही हूं, इतना कारोबार, इतनी जायदाद, इतनी धन दौलत किस लिए, किसके लिए, जब इन सबका कोई वारिस ही नहीं। पगली कहीं की, तो क्या हुआ, जैसी माता की मर्जी। नहीं, तुमने वचन दिया है मुझे,
अगर अब तुमने अपनी कसम तोड़ी तो मरा मुंह देखोगे मेरा। यही मेरा संकल्प है। नहीं नहीं शारदा, ऐसा मत कहो। तुम तो मेरा जीवन हो, मेरी जिंदगी हो। तो फिर रक्षा करो अपने जीवन की। तुम्हारी संतान क्या मेरी नहीं होगी? तुम मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हो ना शारदा? शारदा, हो शारदा, मेरी शारदा। मुबारक हो जी, मुबारक हो। आओ बैठो बैठो बिंदु, काम बन गया है। और सुनो समदन जी, मुहूर्त भी निकलवा दिया है अगले महीने की पंचमी का। अब 30 तोले की तगड़ी तैयार रखना। हाँ क्यों नहीं, ये लो वारी जाऊं समदन जी। तगड़ी के साथ साथ बाकी माल भी आज ही भिजवा दूंगी तुम्हारे घर पर। चमचमाती घूमना ब्याह में। मुंशी जी। जी ब्याह के कार्ड छपकर आए कि नहीं? छप गए हैं जी, अभी लाता हूँ। जल्दी करो ना मुंशी जी, अब दिन ही कितने रह गए मेरे भाई के ब्याह में। अरे हाँ, दुल्हन का लाल जोड़ा तो तैयार हो गया ना। शारदा को क्या हुआ? मामी को? मामी चक्कर खा के गिर गए मामा। क्या शारदा? शारदा जीजी, जीजी ड्राइवर से को गाड़ी निकाले जल्दी। मामा डॉक्टर, डॉक्टर कमाल हो गया। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी शारदा ठीक तो है ना? बताइए ना डॉक्टर, बताइए ना प्लीज। अरे भाई कमाल हो गया, मेडिकल साइंस की दुनिया का अनोखा चमत्कार, मिराकल, अनहोनी। अरे तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। क्या है? क्या कहा? वही जो तुमने सुना। शारदा, शारदा माँ बनने वाली? लेकिन लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? आपने ठीक से जांच तो की है ना? हाँ। अरे भाई 3-3 डॉक्टरों ने 4-4 बार जांच की है। हा? कभी देखी न सुनी, बिल्कुल अनहोनी। लेकिन सभी डॉक्टरों ने भाभी को बांझ बताया है डॉक्टर, उनके बच्चा हो ही नहीं सकता, जरूर कोई और खराबी है। मैं कहती हूँ कि जब कह रही हूँ कि 4-4 बार जांच कर ली है
अजी आप तो तैयारी करो दावत की। ये सब माता की कृपा है। माता की कृपा? आप नहीं समझेंगे डॉक्टर, ये मेडिकल साइंस का मामला नहीं है। हाँ? सत्य असीस हमारी पूजे ही मन कामना तिहारी। बधाई हो, बधाई हो माँ जी, अब तो आपके मन की कामना भी पूर्ण हो गई। हाँ दामाद बाबू, बरसों बाद भगवान ने इस बुढ़िया की भी सुन ली। अब तो बस पोता हो जाए तो धूमधाम से जश्न मनाऊंगी। देखा, रंग लाए ना भाभी के व्रतों का पुण्य प्रताप। अब किसके पुण्य प्रताप रंग लाए हैं सो तो राम जी ही जाने। जय श्री राम। ये बुढ़िया और बिटिया एक ही माटी की बनी है कमबख्त। इसका नाम कौशल्या किसने रख दिया? इसका नाम तो कैके ही होना चाहिए था। नारायण नारायण, जय हो शनि देव की जय हो। आज क्या समाचार लाए हो मुनिराज? आज का समाचार आपको सुहाएगा नहीं प्रभु। हाँ, माता महालक्ष्मी की महिमा अपरंपार है। शारदा धनवती और सौभाग्यवती होकर अब संतानवती होने जा रही है। संभव? यही तो आश्चर्य है। देवों के देव शनि देव की ऐसी करारी हार। नारायण नारायण, इस बार सूर्य पुत्र शनि की जीत होकर रहेगी। फल ग्रहण करे भगवान। नारायण नारायण, ढूंढो ढूंढो रे साजना, कहाँ चला गया? ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे। तो तुम यहाँ हो है? देखो तो बाहर कैसी पुरवा चल रही है, मस्त मस्त। ये कौन बोला? ये तुमने बोला? इतने मीठे बोल। हाय हाय, कहीं मुझे डायबिटीज ना हो जाए। नटखट कहीं के, इतने दूर क्यों खड़े हो जी? आए? क्या मैं करंट मारती हूँ? आज तो तुम करंट ही मार रही हो। मेरी बांसुरी, मेरी सितार, मेरी ढोलक। जानते हो इन घटाओं जैसे बालों का राज क्या है? नहीं तो क्या है राज? इनका राज है जूही कुसुम चमेली का तेल। टिंग टिंग। देखो तो कैसे रूखे हो रहे मेरे बाल। बाजार जाकर ला दो ना एक शीशी। शीशी जूही कुसुम चमेली का तेल। टिंग टिंग। अब मैं समझा कि क्यों मुझसे इतना प्यार जताया जा रहा है। तभी तो मैं कहूँ कि ये फटे हुए बाल से बांसुरी का सुर कैसे निकल रहा है। क्या कहा? कुछ नहीं, जा रहा हूँ। साले चोरू के गुलाम, चल तेल लेने। बहुत तेल चढ़ाती है हनुमान जी को, आज मैं चढ़ाती हूँ तुझे तेल। भाभी तुम्हें देर है तो मैं ना लूं? नहीं जीजी, मुझे मंदिर जाना है, बस 5 मिनट में नहा कर आई। मंदिर जाना है तेल चढ़ाने। मुन्नी, हाँ क्या हुआ?
इतनी सी बात। हाय राम, न जाने कहाँ गिर गया मेरे कान का टॉप्स। निकल गया ना काका? जरूर कहीं गुसलखाने में ही गिरा होगा। नहीं। हाय मेरी टांग। हाय राम। हाय रे। ये तो माँ जी की चीख है। बिंदु। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? माँ जी। माँ मर गई रे। मेरा पेट। ये डॉक्टर, मैं नलिया निकल दूँ। मेरा पेट। मैं मर गई। इतना शोर मत करो माँ जी, ये हॉस्पिटल है। चुप हो जाओ माँ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। मुझे डॉक्टर साहब ने अभी भी कहा है कि आपकी टांग 15 दिन हुई और लटकी रहेगी। माँ फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी जोड़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। शुक्र कीजिए मैडम, जान बच गई। बट वी आर सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। ओह। हाय मेरा बेटा, मेरा बेटा। जागो मोहन प्यारे, दांतों को चमका। कुसुम चमेली का तेल। टिंग टिंग। क्या बात है मुन्नी, तेल चढ़ाने में इतनी देर? मामी। अरे तुम ऊपर आ गई मुन्नी, मुझे पकड़ो मामी। अरे सुनो, नहीं मुन्नी पीछे मत जाना। अरे रुको मुन्नी, मुझे पकड़ो मामी, मुझे ठहरो मुन्नी, मेरी बात सुनो। अरे उधर खाई है, रुको मुन्नी। शारदा, शारदा, मुन्नी, मुन्नी कहाँ है? मामी, मामी, मुन्नी, तुम ठीक हो ना मुन्नी? लेकिन मैंने तो तुम्हें पहाड़े से गिरते देखा था। ये तुम क्या कह रही हो शारदा? मुन्नी तो मेरे पास थी, यहीं पर। क्या? हाँ। तो लेकिन शारदा, तुम इतनी ऊंचाई से गिरी और तुम्हें मुझे विश्वास है। हाँ, गिरते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ में रस्सी थमा दी हो। क्या रस्सी? हाँ। कैसी रस्सी? कहाँ है?
अरे यहीं पर तो थी। रेशम सी नरम रोएदार रस्सी, जैसे जैसे किसी की पूछ। चमत्कार हुआ है शारदा, चमत्कार। आज स्वयं बजरंग बलि ने, संकट मोचन हनुमान जी ने रक्षा की है तुम्हारी। हाँ शारदा, हाँ हाँ, हम उन्हें प्रणाम करें। जय बजरंग बलि। क्या बात है दामाद बाबू, आज आप बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं। पेट में गैस जो बनाया है सासू जी। तो अजवाइन पिसवा दूं या हिंगवटी की गोली दे दूं? नहीं सासू जी, इस गैस की गोली दूसरी है। क्यों कहो तो आज खोल दे ढोल का पोल, निकाल दे गैस का गोबार। कैसा गोबार दामाद जी? अपनी बेटी से पूछे कि चमेली के तेल का राज क्या है। पूछिए पूछिए इसे। क्या राज है? ऐसे आंखें ना दिखाओ रानी, और ये बताओ कि सोने की तगड़ी का राज क्या है। बताओ बताओ। क्या मतलब? मतलब वही जो तुम समझ रही हो। अपने कर्मों की सजा तो भुगत ही ली तुमने, और अब अनजान भी बन रही हो मथुरा रानी। आखिर बात क्या है दामाद बाबू, जरा साफ साफ कहिए ना। बात यह है माजी कि आपकी ये बेटी बेटी नहीं, साक्षात मंथरा माता का दूसरा रूप है। यही है सारे फसाद की जड़। इसने अपने स्वार्थ के कारण सास और बहू के बीच में दीवार खड़ी कर दी, और गहनों की लालच में अंधी होकर भाई का घर भी बर्बाद करना चाहा। यही नहीं माजी, यही नहीं, आपकी इस बेटी ने भाभी की कोख भी उजाड़नी चाहिए बाथरूम में चमेली का तेल गिराकर। देख लिया नतीजा क्या हुआ? दूसरों के लिए कुआं खोदने वाला खुद भी भगवान की बनाई हुई खाई में गिरने से बच नहीं सकता। मंत्रा देवी, तो इशारे बीच तूने बोए, मेरी बेटी होकर मेरे दुश्मन का फर्ज निभाया, अरे मेरी देवी जैसी बहू को सताया, मेरे वंश का नाश करने जा। चीची, तुझे जन्म देने से पहले मेरी कोख जल क्यों नहीं गई? चली जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा, अपनी काली सोच फिर मुझे कभी मत दिखाना, चली जा यहाँ से। बोलो मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। खबरदार तो मुझे माँ कहा, मैं मर गई तेरे लिए और तू मर गई तेरे लिए। ऐसा न कहे माँ जी, मेरी तकदीर में जो लिखा था सो हुआ। अब माता की दया से और आपके आशीर्वाद से दिन फिरे हैं। जीजी ने अपनी गलती मान ली है, आप भी माफी दे दें माँ जी। नहीं। अरे रे रे भाभी, आप क्या कर रही हैं? बड़ी मुश्किल से तो अपना घर बसाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो, अब ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, समझी? बहुत मौज मस्ती कर ली, बहुत भोज जमा ली, अब सीधे सीधे अपने घर चलो। चूल्हा चौकी देखो, रोटियां पकाओ, खुद भी खाओ, हमें भी खिलाओ। अब बंद करिए नाटक, चुगलखोर कामचोर कहीं की। अब सीधे सीधे चलती है, ले चलूं पकड़ के झोटा। चली राधे रानी अखियों में पानी, ओ चली राधे रानी अखियों में पानी, अपने लल्लू से अपने लल्लू से पल्लू जोड़ के, ओ अपने लल्लू से पल्लू जोड़ के, ओ चली राधे रानी। लो बादाम का हलवा खाओ, मैंने खुद बनाया है तुम्हारे लिए। इतना सारा? हाँ, इतना तो रोज खाना पड़ेगा। लो 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 खाओ खाओ। थोड़ा सा और, थोड़ा सा थोड़ा सा और। जी माँ जी, बहू रहने के लिए दूध लाना। लाई माँ जी। लीजिए। इतनी सारी मलाई। पी जाओ बीबी जी, मुन्ना बाबू खूब गोरे होंगे, मक्खन मलाई जैसे। लेकिन तूने अपना गोरा हाथ तो नहीं लगा दिया मलाई को? अमर मुबारक हो, लड़का हुआ है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब, ये दिन देखने के लिए तो
मेरी आंखें तरस गई। कैसा है मेरा मुन्ना, कहाँ है वो? शारदा कैसी? सब ठीक है, आइए मेरे साथ आइए। बहुत प्यारा है मुन्ना, देखिए जच्चा बच्चा दोनों ठीक तंदुरुस्त। ये देखिए अरे ले 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 मेरा बच्चा, अरे ले ले मेरा मुन्ना, अरे ले 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 एकदम लड्डू गोपाल है बिल्कुल कृष्ण कन्हैया, ले 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 अरे ले 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 देखो तो वो देखो बिल्कुल अपने बाप पर गया है। ना 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 ले बेटा ले हवा ले देवी माई से बुरी नजर से बचाए। नारायण नारायण। पधारिये मुनिराज, कैसे आना हुआ? चमत्कार हो गया है सूर्यपुत्र। चमत्कार? कैसा चमत्कार? माता महालक्ष्मी का तीसरा वरदान भी फलीभूत, अमर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है शनिदेव। इस उपलक्ष्य में कल बड़ी धूमधाम से माता महालक्ष्मी का जगराता रखा अमर की माँ ने। जगराता? जी। महालक्ष्मी का जागरण, मैं इस जागरण को मौत की नींद में बदल दूंगा मुनिवर। नारायण नारायण। बहू जी। माँ जी देखो तो मंदिर से महालक्ष्मी माँ का प्रसाद लाई हूँ, ये लो इसे मुन्ना के पलंग पर लगा देना, सदा माँ की छत्र छाया बनी रहे मेरे मुन्ने राजा पर। अरे बेटा हलवाई आ गया क्या? हाँ माँ। तो उसे कहना भोग के लिए पहले मालपुए बना ले। अच्छा माँ। अरे जीजा जी। नमस्ते माँ जी। खुश रहो। जीजा जी ये क्या, जीजी नहीं आई? आई है, वहाँ खड़ी है, वो देखो। जीजी भाभी आइए, आइए ना, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। मुन्ने नहीं आई? मुन्ने आ रही है भैया। बिंदु चलो मुन्ने को देखते हैं। अभी आते हैं। अच्छा, बधाई हो अमर की माँ। तुम्हें भी बधाई हो निर्मला। दादा तो हागन रहो बहुरानी। बड़ा शानदार इंतजाम किया है पूजा का। क्यों नहीं, माता का जगराता जो है। इधर देख बिंदु रानी, माता का जगराता है, आज बहुत बड़ा मौका है, तू भी दिखा दे आज अपना जलवा, जमा दे मेरे साथ रंग, जमाएगी ना है? जमाएगी ना है? जमाएगी जमाएगी। जागरण कर लो जी माता के जगराते में, जागरण कर लो जी माता के जगराते में, इच्छा पूर्ण कर लो जी माता के जगराते में, इच्छा पूर्ण कर लो जी माता के जगराते में। बजाओ झांझ बजाओ नाचो गाओ भाई रे, नाचो गाओ भाई हे, आज खुशी का दिन आया है, रात जगाओ भाई रे, रात जगाओ भाई, माँ के दरवाजे पे अपनी झोली भर लो जी, अपनी झोली भर लो, अपनी झोली भर लो जी माता के।
देवी माँ आवे। आवाज तो मुन्ना के कमरे की तरफ से आई है। क्या? मुन्ना? 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 इतना धुआं? मुन्ना? 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 मेरा मुन्ना? मेरा बच्चा? शारदा, देखो तो। शनि देव की जय। आज बहुत सुस्त दिखाई दे रहे हैं महाबली, कुशल तो है? अब आपसे क्या छुपाए मुनिवर, मेरे सारे दांव लक्ष्मी की माया के आगे व्यर्थ हो गए। मैंने जीवन में कभी हार कमो नहीं देखा, किंतु इस लक्ष्मी देवी ने। शांत भगवान शांत, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, 100 सुनार की और 1 लुहार की। अब वो अवसर आ गया है सूर्यपुत्र, ये बहुमूल्य समय निराशा में गंवाने का नहीं, कुछ कर दिखाने का है। नारायण नारायण, नहीं समझे? आपकी तीक्ष्ण बुद्धि को क्या हो गया है बुद्धिराज? क्या आप भूल गए, वर्ष में 1 दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में निद्रालीन होते हैं और उस दिन स्वयं भगवती महालक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं। हाँ, महादेवी उस दिन भगवान विष्णु के श्री चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाती, और वो दिन कल है महाबली। मान गए नारद मुनि, मान गए।
आपकी नारद कला का कोई भी सानी नहीं। वचन देता हूं, जब मैं देवलोक का राजा बनूंगा, मेरे महामंत्री आप होंगे। धन्य भाग महाबली, धन्य भाग। अब आप देखते रहिए मेरे बल और कौशल को, अमर के पूरे वंश का नाश कर दूंगा, निर्वंश कर दूंगा, निर्वंश। नारायण, नारायण, नारायण। निर्वंश कर दूंगा मैं उसे। आयुष्मान भव, जगत जननी मां महालक्ष्मी तेरा कल्याण करे बेटा। पंडित जी, पुजारी बाबा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। अभी आते ही होंगे बेटा। कल शाम को लक्ष्मी माँ के व्रत का उद्यापन रखा है घर पे। पुजारी बाबा से कहिएगा, पूजा उन्हीं को करानी है। अवश्य कह दूंगा बेटी। बहू, उद्यापन की सारी तैयारी तो कर ली है ना? जी माँ जी। और सात सुहागनों को भेंट देने के लिए चूड़ियाँ, मेहंदी, सिंदूर सब मंगवा लिया है ना? हाँ जी। अरे देखो तो कैसे नटखटपन से हंस रहा है। अरे मेरा लड्डू गोपाल। आए मेरा किशन कन्हैया, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा राजा बेटा। एक गाड़ी जरा धीरे चलाइए ना। पता नहीं शारदा, गाड़ी के ब्रेक ब्रेक नहीं काम कर रहे। क्या होगा? बेटा क्या होगा? माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। मुन्ना, बाजी। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। हे संकट हारिणी महालक्ष्मी माँ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे गणदेवता गणपति, मैं आपका आह्वान करती हूँ। हे विघ्न विनाशक, हे सिद्धि विनायक, मेरे भक्तों के प्राणों पर संकट है, रक्षा करो। और मैं बड़े धर्म संकट में हूँ। अब आपको ही मेरे वचनों की आन निभानी होगी। जो आज्ञा माँ। महालक्ष्मी माँ, रक्षा करो। नमस्ते चंदन जी। आज तो आपने खूब रौनक लगा रखी है। आई आई समझी जी, ये सारी रौनक आपकी बेटी है पुण्य प्रताप है। साक्षात लक्ष्मी दी है आपने हमें। ये तो आपका बड़प्पन है जी। जय महालक्ष्मी माता की बेटी, पूजा की तैयारियां हो गई? हाँ बाबा। जीती रहो। बस 5 मिनट और, 7 सुहागनों वाली रस्म पूरी कर लूं, फिर उद्यापन की पूजा। मुन्ना बाबू दिखाई नहीं दे रहे हैं? अंदर है पालने में। उसके लिए माता महालक्ष्मी का रक्षा यंत्र बनाकर लाया हूं। तो पहना दीजिए ना उसे, वो रहा उस कमरे में। चले चलो रस्म भाभी करें। सिर्फ 6 सुहाग नहीं आ सकी हैं, रस्म कैसे पूरी होगी? बस हेलो भाभी, 7वीं सुहागन भी आ गई। अरे अरे कम्मत तू। मद्रासी मुलगी फसली। देखती क्या पहुंचू ना भाभी के। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। नारे बांधो,
बिना बैंड बजाए ब्याह कर लिया? ब्याह कर लिया, बैंड तो अब बजेगा। बज गया मेरा बैंड। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। लो अयो नको भाभी, क्यों तू भी तो सुहागन है, ये तो रत्न है पगली, तेरा भी तो आशीर्वाद चाहिए। पाय लागू जी, सदा सुहागन रहो, दूधो ना हो पुतो फलो। ओम रेम क्लीम चामुंडा विच्छय, चामुंडा विच्छय, चामुंडा विच्छय। अमर मुझे कुछ देर हो गई बेटा, पूजा की तैयारी तो संपूर्ण है ना? ये आप क्या करें बाबा, आप तो कितनी देर से आए हुए हैं। इतनी देर से? मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ। तो फिर वो कौन है? वो कौन? वही जो अंदर मुन्ना के पास बैठा है। हे भगवान, मुन्ना! अमर कहाँ गया मुन्ना? मुन्ना कहाँ गया? मेरा मुन्ना कहाँ गया? मेरा बेटा, माँ कौन ले गया हमारे बच्चे को? ये ज्वार कैसा? शारदा, शारदा उठो, शारदा। शारदा बेटी को वहीं रहने दो, देवी माँ के चरणों में। बेटा इस व्यर्थ की भागदौड़ से कुछ नहीं होगा, ये किसी साधारण मनुष्य की करतूत नहीं है, ये तो स्वयं महाबली शनि देव की करतूत है। शनि देव सुन, मैं सिद्धि विनायक से प्रसाद लेके आता हूँ। अब तो केवल जगत जननी माता महालक्ष्मी ही तुम्हें इस संकट से उबार सकती है। आओ इसे पुकारो, इसी ने तुम्हें पुत्र दिया है, यही तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेगी और यही माँ तुम्हें अपना पुत्र वापस लौटाएगी। देखे कब तक रक्षा होती है तेरी। अहंकार के मद में तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है,
प्रतिशोध की ज्वाला में तू देवताओं की मर्यादा भी भूल गया। नवजात शिशु के प्राण लेने की घृणित चेष्टा तक उतर आया अधम। देवत्व के पद से तू बहुत नीचे गिर गया है पापी। आज मैं तुझे दंड देकर ही रहूंगी। जय चंड मुंड प्रचंड दानव दैत्य वंश विनाशिनी दुर्गा महाकाली सुमंगल शारदा श्रीदायिनी। पर्वत सुता विष्णु प्रिया करणी महासुखदायिनी। रक्षा करो रक्षा करो जगदम्बिके वरदायिनी। शक्ति रूपा नमो मुक्ति रूपा नमो ज्वाल रूपा नमो भद्रकाली। नमो ब्रह्म रूपा नमो धर्म रूपा नमो सर्व रूपा ओ लीला विशाली। नमो सर्व रूपा ओ लीला विशाली। तू ही आदि शक्ति तू ही सर्व सिद्धि तू ही विश्व रूपा ओ मां शूलधारी। कमल दल विराजे गले माल साजे ओ रक्तांबरा तेरी लीला है न्यारी। ओ रक्तांबरा तेरी लीला है न्यारी। कराल काल कराल रूपा कुंड माला तारिणी धर रात्र रूप असुर दले ओ भक्त भव भय हारिणी। लिंगराज राज रखो कृपा हम पर करो कात्यायिनी। महालक्ष्मी महा तू व्यक्ति हमारी।
कामवाली। तुझे हम पुकारे दया कर दया कर ओ माँ ज्योता वाली, दया कर भगवान, मैंने आप पर प्रहार किया, मुझे क्षमा कीजिए। नहीं देवी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं ही वचन का पालन नहीं कर सका। सृष्टि की रक्षा हेतु सभी देवताओं के आग्रह पर मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। वहां क्या छुपा खड़ा है दुष्ट? माँ भगवती के चरणों की शरण में जा। ये मात्र महालक्ष्मी ही नहीं, आदिशक्ति जगदम्बिके जगत जननी माँ है। मां से क्षमा मांग दुष्ट, क्षमा मांग, अन्यथा ब्रह्मांड में तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं, मैं सूर्य देव तेरा पिता भी तुझे शरण नहीं दे सकूंगा। हे मां, मुझे क्षमा कर दो, इस कपूत को क्षमा कर दो। अपने बल के मद में मैं आपकी शक्ति को भी भूल गया था। मुझ पापी को दंड दो मां, मुझ पापी को दंड दो। नारायण नारायण। यदि सत्य कहूं तो यह नारद ही सारे कांड की असली जड़ है। वस्तुतः यह शनि बनकर मेरी बुद्धि के पीछे पड़ा था। माते, आप इसे भी अवश्य दंड देना। महादेवी, मैंने तो शनि देव का अहंकार भंग करने तथा आपकी महान महिमा जग को बताने के उद्देश्य से ही ये सारा खेल रचा था। यदि ये मेरा अपराध है तो जो भी दंड आप दें शिरोधार्य है। हे शनिदेव, मैं आपसे यही कहूंगी कि आप क्रोध में आकर देवताओं की मर्यादा न भूलें। और हे नारद मुनि, आपका दंड ये है कि आप कम से कम एक वर्ष तक स्वर्गलोक से बाहर निवास करें। हा? ताकि स्वर्गलोक में एक वर्ष तक तो सुख शांति बनी रहे। नारायण नारायण। आज्ञा दे नारायण। लक्ष्मी माता की जय। बोलो मां लक्ष्मी माता की जय।
बोलो महालक्ष्मी माँ की जय। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। बोलो सुख संपत्ति दाता की जय।